चार साल ग्यारह महीने और 22 या 23 दिन पहले ही 17 अगस्त 2018 को इसी जगह से इन्हीं बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेके यहीं से आप सब लोगों का आशीर्वाद लेते हुए एक बच्ची का अपहरण हुआ था। उत्तर प्रदेश की वो बच्ची थी, उसके बच्ची के लिए न्याय मांगने के लिए गए थे। उस टाइम में सरकार दूसरी थी, थाने में लाठीचार्ज हुआ था, 60 लोगों को गिरफ्तार किया था, 250 लोगों को नामजद किया था। उस बात के विरोध में एक बच्ची की बरामदगी के लिए, उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले धारणा के आपके बचपनी के सभी बड़े और छोटे भाइयों ने आशीर्वाद दे, उसमें बच्ची भी बरामद हुई, दोस्ती भी जेल में गए। उसके बाद आप लोगों का आशीर्वाद से मैं राजस्थान की विधानसभा में गया। राजस्थान में हमारे उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों ने, मेरे नौजवान छोटे और बड़े भाइयों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद देके एक उम्मीद के साथ मुझे भेजा कि मैं राजस्थान की विधानसभा में जाके इस प्रदेश के लिए, इस हमारे क्षेत्र के लिए, माता बहनों की खुशहाली के लिए, नौजवानों के लिए हम प्रदेश में कुछ अच्छा करें। मैं आपको बताना चाह रहा हूं आज से लगभग 5 साल पहले ये यात्रा यहाँ से शुरू की उस लड़े के ऊपर। उस दिन भी इंद्र भगवान का आशीर्वाद मिला था। आज कोई इंद्र भगवान फिर फूल बरसा रहा है। मामला थोड़ा सा अलग हटके है। जिनकी सरकार हमने 2008 के अंदर गहलोत जी के पास बहुमत नहीं था, 6 MLA ले जाके मैंने गहलोत जी को दिए थे, समझा के सरकार के 2 चारों पांव सीख पाए थे। लंगड़ी सरकार थी, मैंने लंगड़ी सरकार को मजबूती देके गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया। प्रदेश की खुशहाली के लिए, नौजवानों के लिए, उसके बाद में ठीक वही सहयोग, उसके 10 साल बाद में 2018 में वही 6 MLA, वही गहलोत जी, वही लंगड़ी सरकार, वही 6 MLA, वही राजेंद्र गुड्डा मुंबई रसगुल्ले दिए। गुड्डा तेरे से बड़ी आदमी कोई नहीं है। मुख्यमंत्री जी शिवम के जन्मदिन में आए, इस गुड्डा ने मेरी सरकार बढ़ाई। गुड्डा नहीं होता तो आज अशोक गहलोत की सरकार नहीं होती। ये सारी बातें हुई, मैं बताना चाह रहा हूं, मैंने पूरी ताकत से आपकी दी हुई ताकत का सदुपयोग करके गरीब के साथ जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ न्याय करने में आपकी ताकत लगाई, आपके क्षेत्र का विकास में मेरी पूरी ताकत लगाई। और प्रदेश के अंदर मैंने विधानसभा में कुछ नहीं कहा था, सिर्फ 15 सेकंड बोला था। मैं 15 सेकंड एक ही बात कही थी, इस राजस्थान का शानदार इतिहास है, इस राजस्थान का वीरता का इतिहास है, सतियों सूरमाओं का इतिहास है, संतों और पीरों और फकीरों का इतिहास है, संतों और सूरवीरों का इतिहास है, मीरा और पन्ना का इतिहास है, इस राजस्थान की धरती का। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान महिलाओं के प्रति दुष्कर्मों में, बलात्कारों में, बिल्कुल यही कहा, महिलाओं की हत्याओं में
ये राजस्थान पहले नंबर पर आ गया। मणिपुर की घटना उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन कपड़े की जबान में झांक के देखो हम कहां पहुंच गए। सम्मान में कहा मैंने मेरे 15 साल के कपड़े की नाप जिरेबान में झांक दो। इसके बाद दुनिया में बड़ी सी बड़े अपराध के लिए, बड़े से बड़े अपराध के लिए डकैती हो गए, मर्डर हो, इंदिरा गांधी जी की भी जिन्होंने हत्या कर दी थी उनके भी मुकदमे चले थे, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, मुकदमे का चालान हुआ था, फिर उस मुकदमे का चार्ज लगा था, उस पर गवाह लगे थे, सफाई के गवाह लगे थे, आमने सामने वकीलों की बहस हुई थी, इंदिरा गांधी जी की सरेआम हत्या करने वालों को भी सुनाई का मौका मिला था। फांसी की सजा मिलने के बाद भी अपील हुई ऊपर के कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में अब फांसी होने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, और सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद में राष्ट्रपति के पास अपील हुई। राजेंद्र गुड्डा को तो सिर्फ एक मिनट में बरखा, मंत्री तुम धन्यवाद करो, तुम धन्यवाद करो, एक मिनट में बरखा। अरे मेरा इस्तीफा मांग लेते गहलोत साहब, मैं राजी राजी आपका इस्तीफा सौंप देता, राजी राजी इस्तीफा सौंप देता, मेरा इस्तीफा मांग लेते, मुझे बुला के कहते थे गुड़ा मुख्यमंत्री किसको मंत्री परिषद में रखे और किसको नहीं रखे, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। लेकिन पहला काम उसे पूछे, उसको कारण बताओ, नोटिस दे, फिर उसे इस्तीफा मांगे, वो सब कुछ लेके तो उसको बर्खास्त करे। आखिरी आखिरी ये बर्खास्त किया, उसके बाद में राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आप लोगों ने बेटा में किसी की मेहरबानी से नहीं गया, आपको बताना चाह रहा मैं सिर्फ ये, जिस विधानसभा में पूछा कांग्रेस ने नहीं बैठा, बीजेपी की मेहरबानी से विधानसभा में नहीं गया, कांग्रेस की मेहरबानी से नहीं गया, बहुजन समाज पार्टी के तो मात्र 1100 वोट आए थे 2013 में, वो नरेंद्र सैनी की समाज के थे या नरेंद्र सैनी के दोस्तों के थे या पार्टी के, 1100 में छाट लो मात्र। राजेंद्र गुड्डा को विधानसभा में आपने भेजा, आपने, मेरी पार्टी यह है, मेरा परिवार यह है, माप के बीच में आया हूँ सबसे पहले यहाँ सीधा, मैंने अध्यक्ष अध्यक्ष राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मेरा बोलने का अधिकार है, मैं भीख नहीं मांग रहा, मेरे बोलने के अधिकार की रक्षा मांग रहा हूँ, तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। मेरे पास एक डायरी थी, वो लाल डायरी, ये मेरे पास एक लाल डायरी थी, डायरी को मैं टेबल करना चाहता हूँ राजस्थान की जनता को पता चले डायरी में क्या है। अरे डायरी को राजस्थान की पंचायत में टेबल करना चाहता हूँ, टेबल, और मुझे उस टेबल नहीं करने दिया गया, उस टेबल नहीं करने दिया गया, मेरे बोलने से उनके सारे कारनामे सारे विधानसभा में सामने आ जाते, वो मेरे बोलने से वो सारी चीज रिकॉर्ड पे आ जाती, वो रिकॉर्ड कभी भीग नहीं सकता था, कभी नहीं भीग सकता था। विधानसभा में एक एक शब्द
जो विधानसभा में बोला जाता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दिया गया। बीच में धारीवाल मुझे बोलने के लिए कहा, मैंने धारीवाल को कहा कि आप मेरी मंत्री के रूप में जिस सीट के ऊपर मैं बैठता था, मंत्री से हटने के बाद वो उस सीट पर मैं नहीं बैठ सकता था। एमएलए के रूप में, विधायक के रूप में मुझे सीट नहीं दी गई। मैं किस सीट पर बोलता, सीट के ऊपर माइक लगा होता, मेरे पास माइक भी नहीं था, मेरे पास सीट भी नहीं थी। पर मैं राजा, अब मैं आपका एमएलए हूँ, आपका विधायक भी था, कमजोर भी नहीं था। मैंने दूसरा माइक जिसे धारीवाल बोल रहा था, मैंने उनसे बोलना चाहा। सारे के सारे लोग, सारे मंत्री, विधानसभा के सारे कैमरे बंद कर दिए। वहां किसी को रिकॉर्डिंग करने का अधिकार नहीं होता। वो तीन मिनट तक सारे के सारे 25 मंत्री और 50 विधायक सुने, मेरे पर टूट के पड़ गए और वो डायरी मेरे से छीनने लगे। उसकी उनकी मौत का सामान उसमें था, राजेंद्र गुट्टा को आग के अंदर कुदाया था, आग के कुदे में आप कुएं में आपके भाई को कुदा दिया था। उस दिन राजेंद्र गुट्टा को कहते तेरे को तो हॉलीवुड पिक्चर में उड़ा दिया था। गुड़ा ये सारा खेल खत्म हो जाता, ये डायरी नहीं आती। तो उसके बाद आज राजेंद्र गुड़ा को मुंह में रस्म ले दिए, फिर राजेंद्र गुड़ा के धक्के भी लगे। राजेंद्र, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने आपके लिए पूरी ताकत से क्षेत्र के अंदर कहीं पानी होता है कितनी हो, कहीं सड़क होता है, शिक्षा होता है, स्वास्थ्य हो, पूरी ताकत के साथ मैंने वहां कहा मीडिया के, मेरे हिंदुस्तान की मीडिया के सामने मैं विधानसभा में बोलना चाह रहा था। तीन साल के सारे मंत्रियों का, सारे मंत्रियों का नाल पर टेस्ट कराओ, नाल पर टेस्ट क्या होता बता गया, नाक के अंदर दो टपके डाले जाते एक दवाई के, और फिर उसके बाद में सही सही बात बोलता आदमी झूठ नहीं बोल सकता। इनका नाल पर टेस्ट कराओ, जेलों के अंदर दो लोग बैठे हैं, बलात्कार के अंदर उससे बड़े बलात्कार इस मंत्री परिषद के अंदर है, मेरा भी कराओ। लेकिन मैं आपको बता देना तो दुर्भाग्य से मेरी से वो डायरी छीन ली, अंदर दूसरा आदमी जा नहीं सकता। शिवम ने मेरे हिसाब से लड़ रहा था, शिवम तुम साथ क्यों नहीं गए, तुम हॉल के अंदर जाके मंत्री जी को अकेला कैसे छोड़ दिया। इनको पता नहीं कि विधानसभा हॉल में दूसरा आदमी साथ नहीं जा सकता, मैं अकेला ही था वहां, मेरे साथ तो जा ही नहीं सकता था, अकेला ही डरता। पूरी ताकत से मैं उनसे भिड़ा, उनसे मेरी डायरी बताने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो सारे के सारे 25-50 लोग एक तरफ, मैं अकेला दूसरी तरफ, मैं पसीना पसीना हो गया। मैं लाखी दम तक उनसे लड़ता रहा, पूरी ताकत से लड़ता रहा, और उसके बाद में वो डायरी छीनने में सफल हो गए, और डायरी को बताने में असफल हुआ। धारीवाल कहता डायरी में कुछ नहीं है, डायरी में भी कुछ नहीं है तो परेश को मीडिया को दिखा दे, मीडिया में लेटा की देते कि राजेंद्र गुट्टा झूठ बोल रहा है, डायरी में तो कुछ नहीं है, दे दे डायरी मीडिया को दे दे, सब करवा दे, कुछ भी नहीं है तो क्यों टूट रहे थे उसके, क्यों पागल हो गए थे उसके अंदर। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ,
80 साल का वो डोकरा शांति धारीवाल तो 10-10 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाए, बलात्कार हो जाए तो विधानसभा में बोलता ही हमारी बर्दानगी है। तू बना दिया ऐसी सरकार पर ऐसे मंत्रियों को तो ये कहते हैं महिलाओं के बच्चों के दुष्कर्म, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के दुष्कर्म में क्या ये मर्दों का प्रदेश है। ऐसा बोलने वाले को राजस्थान की धरती के ऊपर भगवान उनका फैसला करेगा, धंधा फैसला करेगी। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आपको, आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने 5 साल के अंदर आपका कहीं भी सदिशा नहीं होने दिया है। पूरी कोई नहीं कह सकता आपके भाई के बारे में, माँ का दूध पिया तो राजेंद्र बुढ़ा पे अंगुली उठा के बताओ, गिरफ्तार करो, मैं बताओ अभी ठंडी के रवाना हुआ हूँ आपके दाढ़ी दड़ाने से, कोई वोट गाड़ी कोई दड़ाएगा पहला जी, कोई महिला बच्चियों का मामला ये संयोग 5 साल बाद में बच्चियों के दुष्कर्म का मामला, वही चढ़ाया वही उठ की गाड़ी वही राजेंद्र बुढ़ा वही आप और वही मैं वो एक चीज बताना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से ये लोग मेरे पर अंगुली उठा रहे की राजेंद्र बुढ़ा बीजेपी से मिला हुआ है, गोविंद दोटासरा ने कहा, अरे दोटासरा तेरी तुम्हारे दो बार तुम्हारा मुख्यमंत्री बनाया, तुम्हारी सरकार बनाई, छठे बार तुम्हें राज्यसभा में वोट डाला, दो बार तुम्हें राष्ट्रपति तुम्हारे कहने से राष्ट्रपति का वोट डाला, उसके बाद में तुम्हारी सरकार जब संकट में आई तो फ्रंट फुट पर खड़ा होकर संकट वचन बन के तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारी सरकार बताई, जब तुम्हारा काम निकल गया बात करे राजेंद्र बुढ़ा बीजेपी से मिला हुआ। मुझे एक बात बताओ बीजेपी या बीजेपी के सुखकंठी सोचनी और मैं मिल सकते हैं क्या? अरे मुझे पता है किस चीज के साथ, आपको एक ही बात बता देना चाहता हूँ, अभी मैंने यहाँ से रवाना किया बालाजी महाराज और इंद्र भगवान का और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, उदयपुर वाटी के प्रत्येक गांव में जाऊंगा, एक बड़ी सभा बुलाऊंगा, उस सभा के अंदर आपसे पूछ रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे घर बैठना है या मुझे लड़ाई लड़नी है? लड़ाई लड़नी इतना सा बोलना चाहता हूँ। मेरी बहन बेटियों ने मुझे वोट देकर मुझे विधानसभा में भेजा था, आज उनको क्या जवाब दूं कि राजस्थान महिला दुष्कर्मों में एक नंबर पर आ गए। 3 दिन पहले बेटी क्रीम का अगर हसलसल के अंदर सोचते समय रात को 20 साल की बच्ची का गला काट दिया, बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे, तब दोस्त पर आ गया बच्ची बच्चे की और तीन दूल्हा और दुल्हन के एक साथ गोली मार दी, पूरे राजस्थान में रोज द्रौपदी की तरह चीन हरण हो रहा है मेरी माताओं बहनों का। पर उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ आप सारे लोग लड़ाया जम करते करते चलेंगे, अभी यहाँ से पतरंगी से पापड़ा से उतरा डाले, उसके बाद से पतरंगी से कहरो से पापड़ा, अभी रात का घुमकी घुमकी जाएगी तो ये उसके बाद में घूम के बड़ी अहम सभा होगी, तो आप अपने पंचायत के अंदर आपके आप हमारे साथ चले, उसके बाद में अगले गांव में आगे 700 लोग आएंगे, जिस दिन एक दिन आपको बुलाऊंगा, आपको सारे लोगों को बैठ के फैसला करेंगे, आप जो लोगों को फैसला होगा। एक बात बता करो, मैंने मेरी पूरी ताकत से काम किया है, पूरी ताकत से, और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बालाजी की पावन धरा पर खड़ा होते बालाजी महाराज की तरह भाग करके कहता हूँ, इंद्र भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, जब तक मेरा सिर झुकेगा बदल में सांस चलेगी, गरीब की माता बहनों की हिफाजत करता रहूंगा,
चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े, चाहे जान देनी पड़े, और ये मुझे बनवाती और शेख अवासी का नाम रोशन करूंगा, आपका नाम आगे बढ़ेगा।